तो हे गाइस वेलकम टू बिजनेस। सो गाइस आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने हाई पिक्सल वाले सर्वर में डुअल पीपीपी को ऐड कर सकते हो और ऐड करने के बाद आप अपने दोस्तों के साथ काफी कमाल के ढेर सारे पीवीपी मैचेस भी कर सकते हो। और हां गाइस हमारा हाई पिक्सल का सीरीज चल रहा है तो जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो हाई पिक्सल का यहां पे आपको प्लेलिस्ट भी दिख जाएगा, ये आप आसानी से बना पाओगे। तो चलो जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। ओके सो गाइस इसके लिए सबसे पहले आपको अपने टर्नस सर्वर में आ जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे, अभी स्टार्ट मत करना और जल्दी से यहाँ पे प्लगइन्स में आ जाना और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में वर्ल्ड एडिट फॉर बकेट, ये वाला आपको क्लिक करना है और ये यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। मेरा पहले से यहाँ पे इंस्टॉल है तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ दोबारा। और फिर अगला जो प्लगइन है यहाँ पे आपको सर्च करना है डुअल्स। डुअल्स लिखने के बाद यहाँ पे सर्च कर लेना है इसको और जो पहला प्लगइन आएगा ना डुअल्स नाम का उसको आपको क्लिक करना है और इस वाले प्लगइन का जो लेटेस्ट वर्जन है 3.5.3 का इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है यहाँ पे क्लिक करके। और इसके बाद नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देखो तो आपको एक लिंक मिलेगा डुअल का मैप का, तो उसको आपको क्लिक करना तो आप यहाँ पे चले आओगे और इस वाले डुअल्स वाले मैप में आपको यहाँ दिखेगा डाउनलोड स्केमेटिक्स का, इसको आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे कुछ सेकंड्स को आपको वेट करने को बोलेगा तो आपको वेट कर लेना और उसके बाद कंटिन्यू टू डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है तो आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा स्केमेटिक्स। फिर जल्दी से आपको अपने सर्वर में आ जाना है, फिर यहाँ पे फाइल्स पे आपको क्लिक करना है। फाइल्स में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, फिर यहाँ पे प्लगइन्स में क्लिक करना। प्लगइन्स में क्लिक करने के बाद एकदम नीचे चले आना वर्ल्ड एडिट वाले पे, तो यहाँ पे वर्ल्ड एडिट आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा स्केमेटिक्स, आपको इस पे क्लिक करना है और ये फोल्डर खाली होगा तो इसको आपको अपलोड पे क्लिक करना है और फिर आपको अपने डाउनलोड वाले फोल्डर पे चले आना है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा जो अभी मैंने डाउनलोड कराया था ना उसको आपको यहाँ पे डबल क्लिक कर देना तो यहाँ पे ये अपलोड हो जाएगा। फिर जल्दी से आपको अपने सर्वर पे चले आना है और अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेना। तो गाइस जब तक हमारा सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तब तक वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना और इस वाले वीडियो को लाइक के हम रखते हैं 50 लाइक्स का, तो यार प्लीज कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हाई पिक्सल का सीरीज चल रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका प्लेलिस्ट भी दिख जाएगा तो जाके वहां से भी सारे हाई पिक्सल का वीडियो आप देख लेना और एक एक करके अच्छे से देखोगे तो आपका भी एकदम हाई लेवल वाला हाई पिक्सल आपका सर्वर बन जाएगा। तो गाइस जैसे आपका ये सर्वर स्टार्ट हो जाएगा तुरंत आपको अपने गेम पे आ जाना है, यहाँ पे ये वाला जो सर्वर है इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। ये लोग गाइस मैं आ चुका अपने सर्वर में जो कि आप देख सकते हो जिस तरीके से दिखता हाई पिक्सल का यहाँ पे लोगो और यहाँ पे मैंने चार चार वर्ल्ड भी यहाँ पे बना रखे हैं, वन ब्लॉक, बेडवर, सर्वाइवल और स्काई ब्लॉक, ये सभी का वीडियो आपको मिल जाएगा वो हाई पिक्सल वाला जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर। तो आज हम बनाने वाले गाइस पीवीपी वो भी डुअल्स वाला, तो इसके लिए आपको ये जो लॉबी में है ना इसके लिए मैं अलग से कोई एनपीसी नहीं बना रहा हूँ, आप सेम इसी लॉबी में भी आप बना सकते हो और बस आपको कमांड लिख के वहाँ पे आपको चले आना है। ठीक है तो इसके लिए आपको जल्दी से कहीं पे भी आप उड़ जाना और अपने इस वाले लॉबी से ना एकदम दूर कहीं चले आना क्योंकि जो डुअल वाला पीवीपी ना वो हमें आसमान में बनाऊंगा। तो गाइस जब आप कुछ ज्यादा ही दूर आ जाओगे तब आपको कुछ कमांड्स यहाँ पे लिखने हैं, उसके लिए आपको लिखना है सबसे पहले स्लैश, फिर आपको लिखना है स्केमेटिक्स, फिर आपको स्पेस देना है और फिर आपको लिखना है लिस्ट। ये लिस्ट लिख के आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। जैसे आप यहाँ पे इंटर करोगे तो यहाँ पे आपको एल आ जाएगा और यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, अगर पीसी से हो तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक हो जाएगा, लेकिन अगर आप पॉकेट एडिशन से हो तो आपको यहाँ पे क्लिक नहीं होगा, आप यहाँ पे सेम इसी को ऐसे ब्रैकेट देके एल देके ऐसा देके लिख देना तो आपका वो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आपको पेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, डबल स्लैश पेस्ट, अगर मोबाइल से हो तो डबल स्लैश पेस्ट यहाँ पे लिख देना उसके बाद इंटर करना, अगर पीसी से तो इस पे क्लिक करो तो यहाँ पे आ जाएगा, बस आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। तो जैसे गाइस आप इंटर करोगे तो ये देखो हमारा जो यहाँ पे पीवीपी वाला जो एरिना है वो बन के यहाँ पे आ जाएगा और आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये पीवीपी वाला जो हमारा एरिना है वो यहाँ पे दिखने वाला है, काफी छोटा सा और काफी क्यूट सा है। और इसके ऊपर आप जाना कोशिश करोगे तो यहाँ पे ऊपर जो ना यहाँ पे इनविजिबल ब्लॉक्स लगे हुए हैं तो इसके ऊपर आप नहीं जा सकते हो। ये भगवान क्या जुलुम है। तो इसको ऊपर जाने के लिए आपको यहाँ पे स्पेक्टेटर मोड में आना पड़ेगा। ये देखो मैं स्पेक्टेटर मोड में आ गया, अब इसमें इसके ऊपर जा सकता हूँ आसानी से। इसके ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे बीच में चले आना है और फिर से यहाँ पे क्रिएटिव में आ जाना, उसके बाद आपको ये वाला जो पीवीपी एरिना है ना इसको हमको प्रोटेक्ट करना है ताकि कोई भी आके इसको आसानी से तोड़ ना दे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है डबल स्लैश, उसके बाद आपको लिखना है वंड, वंड लिखने के बाद आप यहाँ पे इंटर कर देना तो आपके पास एक वुडन वाला यहाँ पे एक्स आ जाएगा। अब हमको इसको प्रोटेक्ट करना है इस वाले वर्ल्ड को, तो आप इस वाले चीजों के एकदम ऊपर में आ जाना ताकि कुछ भी यहाँ पे ना टूटे, एकदम ऊपर आ जाना और आने के बाद आपको कमांड लिखना है फिल, उसके बाद स्पेस देना, उसके बाद ये ट्रिपल डैश टाइप का है इसको लिखना, फिर स्पेस देना, फिर से इसको लिखना, फिर स्पेस देना और यहाँ पे ग्लास आपको या फिर कोई भी ब्लॉक आप लगा सकते हो, बस आप यहाँ पे इंटर करना तो ये आपका ये ग्लास ब्लॉक बन के आ जाएगा। अब आपको जल्दी से इस पे लेफ्ट क्लिक कर देना है तो हम
हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे सेट हो जाएगा। फिर हमको इसके ठीक अपोजिट यहाँ पे चले जाना है और इसके नीचे आना, पहले हम ऊपर थे तो इस बार हमको नीचे आना है। आप नीचे तरफ आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे पहले से ही एक ग्लास ब्लॉक लगाया हुआ है। अगर आपको नहीं लगाया हुआ मिले तो वही फिल्स वाला कमांड फिर से यूज करना और यहाँ पे ले आना। इस पे जाना है आपको और इस पे आप राइट क्लिक कर देना है। तो ये देखो सेकंड पोजीशन भी हमारा यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब आपको इस रीजन का नाम देना है, एरिना का नाम देना है। उसके लिए आपको लिखना है स्लैश, उसके बाद देना रीजन, फिर आप स्पेस देना, फिर आप लिखना है क्रिएट। फिर हमारे ये डुवेल्स वाला एरिना है तो इसका नाम हम दे देंगे डुवेल्स। और डुवेल्स लिखने के बाद आपको यहाँ पे एंटर कर देना है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। उसके बाद हमको आरजी फ्लैग डुवेल का जो परमिशन है ना उसको भी ओपन करना है। कौन कौन सा परमिशन हमें देने हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको लिखना है स्लैश, उसके बाद आरजी, उसके बाद स्पेस देके यहाँ पे आपको फ्लैग्स लिखने हैं, फिर आपको यहाँ पे स्पेस देना है डुवेल्स हमारा। ये देने के बाद आपको यहाँ पे एंटर कर देना है तो यहाँ पे आपको पेज खुल के आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जो ब्लॉक ब्रेक है ना ये पहले से ही डिनाई रहता है ऑटोमेटिक से, लेकिन ये पीबीपी एरिना हम बना रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा पीबीपी है इसको हमको अलाउ कर देना है। तभी तो यहाँ पे कोई भी बंदा के आराम से पीबीपी कर पाएगा ना और अपने दोस्तों के साथ डिशिम डिशिम कर पाएगा ना, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसके बाद गाइज आप यहाँ पे ढेर सारे आप देख सकते हो, यहाँ पे 6 पेजेस होते हैं तो आपको जो भी मन करे जिस भी परमिशन आपको देना है वो अलाउ डिनाई आप अपने मन से यहाँ पे कर लेना, लेकिन मेन होता है पीबीपी, इसको अलाउ कर देना। फिर आपको जल्दी से यहाँ पे फिर से स्पेक्टेटर मोड में आ जाना है और इस बार हम इसके नीचे चले आएंगे और नीचे आने के बाद फिर से एक बार यहाँ पे क्रिएटिव हो जाना। क्रिएटिव होने के बाद आप इस लॉबी के बिल्कुल बीच में आप चले आना, कुछ इस तरीके से आप बीच में आ जाना और बीच में आने के बाद आपको कुछ यहाँ पे कमांड्स लिखने हैं। उसके लिए आपको लिखना है स्लैश, फिर आपको लिखने हैं डुवेल्स, स्पेस क्रिएट लिखना, फिर स्पेस देना और अब आपको अपने एरिना का नाम देना है। आप 1v1 भी दे सकते हो, आप कुछ भी दे सकते हो, डिशुम डिशुम मस्ती कुछ भी आप यहाँ पे अपने एरिना का नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं एरिना का नाम 1v1 दे देता हूँ क्योंकि 1v1 हम यहाँ पे करने वाले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर कर देना है तो ये सेट हो जाएगा, एरिना का नाम हमारा सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ओपोनेंट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है तो हमको जल्दी से यहाँ पे चले आना है। एक यहाँ पे हम आ जाएंगे, एक साइड हमको आ जाना है ओपोनेंट के, एक साइड हमको आ जाना है और उसके बाद हम देख लेंगे बीच में हम है कि नहीं, या हाँ बीच में है। और उसके बाद अब आपको यहाँ पे कमांड लिखने हैं कि हमारा जो प्लेयर 1 होगा उसका स्पॉन पॉइंट यहाँ पे होगा और जो हमारा प्लेयर 2 होगा उसका अपोजिट साइड जो सामने आपको दिख रहा है वहां पे होगा। तो यहाँ पे जल्दी से हम सेट करते हैं, उसके लिए भी हमको लिखना है स्लैश, फिर लिखना डुवेल्स, स्पेस सेट, उसके बाद आपको अपना एरिना का नाम 1v1, उसके बाद स्पेस देना और उसके बाद प्लेयर 1 का है ना तो 1 दे देना और यहाँ पे इंटर कर देना। तो गाइस यहाँ पे हमारा प्लेयर 1 का स्पॉन पॉइंट सेट हो जाएगा। उसके बाद ठीक इसी तरीके से आपको यहाँ पे अपोजिट में चले आना है। अपोजिट में आने के बाद वही सेम चीज हमको यहाँ पे करना है और इस बार हम यहाँ पे 2 कर देंगे। तो ये वाला कमांड फिर से लेके आना, डुवेल्स सेट 1v1 जो एरिना का नाम है आप जो भी दोगे वो आप एरिना का नाम लिख लेना, फिर यहाँ पे हम 2 लिख के यहाँ पे एंटर कर देंगे तो हमारा सेकंड प्लेयर का भी स्पॉन पॉइंट यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब क्या है गाइस कि हमने तो अपने प्लेयर को यहाँ पे सेट कर दिया है लेकिन उसको अभी तक कोई भी यहाँ पे किट हमने नहीं दिया, कोई भी यहाँ पे हथियार नहीं दिया। तो चलो अब यहाँ पे अपने प्लेयर्स को हथियार देने की टाइम आ चुका है। तो इसके लिए आपको क्रिएटिव वाले इन्वेंटरी को यहाँ पे ओपन कर लेना है और फिर इन सभी चीजों को वापस से रख देंगे हम। और यहाँ पे जो डायमंड स्वॉर्ड है इसको हम यहाँ पे रखेंगे और ये सभी जो आर्मर है डायमंड वाले इसको हम यहाँ पे रख देंगे। जो भी आप अपने मन से देना चाहो प्लेयर्स को पीपीपी के लिए वो सब आप यहाँ पे नीचे अपने इन्वेंटरी में रख देना। उसके लिए हम यहाँ पे गोल्डन एप्पल भी रख देते हैं, तो ये लो हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 गोल्डन एप्पल रख देते हैं। एक यहाँ पे फिशिंग रॉड रख देते हैं क्योंकि पीवीपी में फिशिंग रॉड बहुत ज्यादा काम आता है पकड़ के खींचने वाला। सेम इसी तरह आप बो रख सकते हो और यहाँ पे एरो रख सकते हैं, कुछ ढेर सारे 10 एरो यहाँ पे मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पे बो एरो ये सब आप रख सकते हो। पीवीपी ये वाला किट होने वाला हमारा, ये हमारा इन्वेंटरी में आ गया। तो ये देखो हमारा पूरा किट में ये आ चुका है। अब आपको ये वाला जो किट है इसको आपको सेव भी कर लेना है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे लिखना है स्लैश, उसके बाद डुवेल्स हमको लेके आना है, उसके बाद हमको लिखना है सेव किट, स्पेस देना, फिर हमारा जो एरिना का नाम है 1v1 वो लिखेंगे और फिर यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद हमको यहाँ पे जल्दी से अपने लॉबी में आ जाना है। ये हम गाइस अपने लॉबी में आ गए। लॉबी में आने के बाद गाइस एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपको परमिशन भी देने पड़ेंगे कि जो आपके सर्वर के मेंबर्स हैं, आप तो यहाँ ओपी हो तो हर एक चीज पे क्लिक करके आराम से सभी कमांड्स को यूज करके जा सकते हो, लेकिन आपके जो सर्वर के मेंबर्स हैं उनको भी तो परमिशन चाहिए ना, ताकि वो भी यहाँ पे जाके पीवीपी कर सके, लोगों को इनवाइट भेज सके ताकि वो
जाके पीपीपी वाले अरीना में जाके फाइट कर सके। तो इसके लिए अब हम मेंबर्स को परमिशन देते हैं, तो उसके लिए आपको लक पम्प्स वाला यूज करना है। तो उसे लिखना है आपको /LP, उसके बाद एडिटर, ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो आपको एक लिंक मिलेगा, उस वाले लिंक को आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखो लिंक पे क्लिक करने के बाद यस आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना। तो आप यहाँ पे चले आओगे वेबसाइट के ऊपर, ये है गाइस लक पम्प्स वाले वेबसाइट। और अगर आपने लक पम्प्स वाले जो प्लगइन है उसको कैसे यूज करते हैं, उसका क्या काम होता है, इसके रिलेटेड अब मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जाके उसको भी जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा वो। इसके बाद आपको यहाँ पे ग्रुप्स पे आ जाना है, डिफॉल्ट पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आप नीचे आ जाना है। तो गाइस यहाँ पे आपको आके सर्च करना है डुअल्स। डुअल्स आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे कमांड आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको दिखेगा duels.dual, इस वाले को आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे देखेगा डुअल स्टैट्स, इस वाले को सेलेक्ट कर लेना है। डुअल स्पेक्टेटर, इसको कर लेना है डुअल स्पेक्टेट। डुअल स्टैट अदर्स, इसको भी आपको कर लेना है। डुअल स्टॉप, इसको भी आपको कर लेना है डुअल स्टॉप वाले को। तो अभी यहाँ पे मैं 5 परमिशन दे रहा हूँ अपने मेंबर्स को, duels.duals, duel.stats, duel.respected, duels.stat.others, duels.top, ये 5 दे रहा हूँ। और इससे अदर भी आप यहाँ पे परमिशन देना चाहते हो ना, तो ये एक वेबसाइट है जिसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से जाके आप सभी कमांड्स को यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे पीवीपी जो डुअल पीवीपी उसका सारा कमांड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप एक एक करके आराम से पढ़ के और जो कमांड आप देना चाहते हो, परमिशन देना चाहते हो, सारा कमांड्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल ये 5 देने के बाद यहाँ पे आपको एड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एड पे क्लिक करोगे तो ये 5 ऊपर आ जाएगा। फिर आपको जो मेरा फेस कैम इसके जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा सेव का बटन, उस पर क्लिक करना है, तो ये वाला एक लिंक आ जाएगा, इस पर क्लिक करना तो ऑटोमेटिक ये कॉपी हो जाएगा। फिर आपको जल्दी से गेम में जाना है और इसको यहाँ पे पेस्ट करके आपको इंटर कर देना है। तो आपको यहाँ पे सभी कुछ लोड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा हमारे गेम में। और गाइस इतना करने के बाद अब मैं जो डुअल पीवीपी है ये आपको अब खेल के दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे ये पूरा काम करेगा। तो इसके लिए कम से कम हमें यहाँ पे 2 प्लेयर चाहिए होंगे, तभी तो उसके साथ हम यहाँ पे 1v1 करेंगे ना। सही पकड़े हैं। तो उसके लिए गाइस यहाँ पे मैंने अपने पॉकेट एडिशन से यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, जो कि आपको पीछे विस्नेस 1-2-3 वाला दिख रहा है, जिसका मुंडी यहाँ पे घूम रहा है वो है। उसके बाद आपको कमाल लिखना है डुअल, याद रखना आपको यहाँ पे डुअल लिखना है, एस नहीं लगाना है, DUEL लिखना है, डुअल्स नहीं लिखना है, एस नहीं लगाना, डुअल लिखना है, स्पेस देना, तो आपको प्लेयर का नाम आ जाएगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको किट का ऑप्शन आएगा, तो किट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। 1v1 वाला एक ही किट मैंने बनाया है तो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अरीना का सिलेक्शन का जाएगा तो एक ही यहाँ पे मैप बना है तो उसको भी यहाँ पे हम कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको ये सभी भी दिखेगा, ये सभी देख लेना। और अगर आपको यहाँ पे इनवाइट भेजना है तो यहाँ पे बस ग्रीन वाला जो सेक्शन है इसमें किसी एक पे भी यहाँ पे क्लिक कर देना। तो ये देखो मेरे पॉकेट एडिशन पे यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे इनवाइट। तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए अगर मेरे पास पीसी होता तो डायरेक्ट एक्सेप्ट पे क्लिक करके मैं ज्वाइन कर लेता, लेकिन यहाँ पे फोन वालों को डायरेक्ट उस पे क्लिक नहीं होता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कमांड लिखना है /duel accept और उस प्लेयर का नाम। तो ये लोग गाइस हम आ चुके हैं अपने एरिना में और हमारा यहाँ पे चालू हो चुका है मैच। गोल लिख के आ जाएगा, जल्दी से हमें जाना है अपने ये वाले प्लेयर पे। ये देखो गाइस मेरा मोबाइल वाला ये प्लेयर है, मैं बढ़ा के भी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और हाँ ये जो आपको है ये सभी को आप पहन सकते हो। तो ये लो मैं जल्दी से इसको पहना देता हूँ, सारा कुछ ये मेरा तैयार हो चुका है। और अब यहाँ पे मैं अपने शॉर्ट से लेके इसको आराम से मैं मार भी सकता हूँ। ये ले, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। चलो आज इसकी नानी याद दिला पीवीपी करने है, बढ़ाया मेरे साथ, चल निकल पहली फुर्सत में, ये ले मर जा। तो ये देखो गाइस मैंने इसको मार दिया है। अच्छा और ये रिस्पॉन करने का आ चुका है, तो चलो इसको रिस्पॉन कर लेते हैं। और रिस्पॉन करने के बाद आप देखोगे गाइस कि यहाँ पे मैं आ जाऊंगा फिर से एक बार लॉबी में। तो गाइस जैसे कि आपने देखा बहुत आसानी से हम अपने सर्वर में एक डुअल पीवीपी यहाँ पे बना सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ आराम से जाके पीवीपी हम यहाँ पे करके उनको हरा सकते हैं और मजे कर सकते हैं। तो आप भी जाओ गाइस और अपने हाई पिक्सल में ये डुअल पीवीपी आप जाके ऐड कर दो। और हाँ जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। और गाइस आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो नीचे कमेंट में बता देना। और हाँ आगे के आने वाले वीडियोस में आपको क्या क्या चाहिए ये भी आप नीचे कमेंट में जरूर बता देना। तो चलो मैं मिलता हूँ किसी कमाल के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।